चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एमसीसी ने राउंड वन के रेजिग्नेशन के रिगार्डिंग एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, उसके बारे में मैं आपको प्रिप से समझा देता हूं ताकि आपको इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नोटिस राउंड वन के सीट ज्वाइंट कैंडिडेट के लिए है, जिन्होंने राउंड वन की सीट कॉलेज में जाकर ज्वाइन तो कर लिया मगर अब उसको छोड़ना चाहते हैं, तो वो 1 नवंबर 2022 शाम 5 बजे तक इस सीट को छोड़ सकते हैं। अब आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अगर किसी कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गई और वो उस पर ज्वाइन नहीं करना चाहता तो उसको क्या करना होगा। तो इसका आंसर ये है कि उसको कुछ भी नहीं करना है, उसको सीधे राउंड टू की च्वाइस फिलिंग करनी है जो 3 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो रही है। उसकी सीट ऑटोमेटिक वैकेंट होके राउंड टू में आ जाएगी, यानी कि उसको कुछ भी नहीं करना है, उसको राउंड टू की च्वाइस फिल करनी है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी कैंडिडेट ने फर्स्ट राउंड की सीट ज्वाइन कर ली और वो अभी इसको छोड़ना चाहता है तो इस एमसीसी के नोटिस के अकॉर्डिंग वो 1 नवंबर 2022 शाम 5 बजे से पहले पहले इसको छोड़ सकता है। रिजाइन करने के लिए उसको उसी अलोटेड कॉलेज में जाना है जहां पर उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स व एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी की है और वहां पर उसको रेजिग्नेशन देना है और रेजिग्नेशन लेटर ले लेना है। जब तक आप रेजिग्नेशन लेटर नहीं इश्यू करवाते तब तक उस सीट पर ज्वाइन ही माने जाएंगे, इसलिए वहां से रेजिग्नेशन लेटर लेना है। अगर आप कॉलेज को ईमेल भेजकर रिजाइन कर रहे हैं तो इंश्योर कर लें कि आपका रेजिग्नेशन लेटर इश्यू हो चुका है। जब तक आपका रेजिग्नेशन लेटर इश्यू नहीं होगा तब तक आप उस सीट पर ज्वाइन ही माने जाएंगे। अब ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड वन की सीट ज्वाइन कर ली है और अपग्रेड का ऑप्शन दे दिया है, सेकेंड राउंड में च्वाइस फिल करने के बाद अगर उनकी सीट अपग्रेड नहीं हुई तो उसको राउंड वन की ज्वाइंट सीट पर ही कोर्स करना होगा, यानी उसको राउंड टू का ज्वाइंट कैंडिडेट माना जाएगा और वो फर्दर काउंसलिंग के लिए इलिजिबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड की सीट ज्वाइन कर ली है, सेकेंड राउंड में अपग्रेड का विलिंगनेस सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है और सेकेंड राउंड में उसकी सीट अपग्रेड हो गई है तो उसकी फर्स्ट राउंड की सीट कैंसिल हो जाएगी और सेकेंड राउंड की सीट उसको ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन करने के बाद फर्दर काउंसलिंग के लिए इलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड की सीट ज्वाइन कर रखी है और उनकी सेकेंड राउंड में सीट अपग्रेड तो हो गई है और उस पर वो अपग्रेडेड सीट पर ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाएगी और वो आगे की काउंसलिंग के लिए इलिजिबल रहेंगे। अभी यहां पर एक आपके लिए रास्ता ये भी है कि अगर आपने 1 नवंबर के बाद में सीट रिजाइन नहीं की, फर्स्ट राउंड सीट ज्वाइन कर रखी है और आपने 1 नवंबर के बाद सीट रिजाइन 1 नवंबर तक सीट रिजाइन नहीं की और आप ये चाहते हैं कि फर्स्ट राउंड की सीट में नहीं लेना चाहता तो आपके पास 9 नवंबर का तक का समय है च्वाइस फिल करने के लिए, तो 9 नवंबर तक आप ऐसी कॉलेज फिल कर सकते हैं जो आपको इजिली अलॉट हो जाए और अलॉट होने के बाद फर्स्ट राउंड की सीट आपकी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी और सेकेंड राउंड की उस सीट को आप सिक्योरिटी मनी फॉरफिट करने के बाद में छोड़ सकते हैं। तो ये एक रास्ता है, अगर फिर भी आप 9 तारीख तक ये सोचें कि फर्स्ट राउंड की सीट मेरे को छोड़नी है, लेनी नहीं है, तब इस प्रकार का रास्ता आप यूज कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में जो आपका कंफ्यूजन था मैंने दूर करने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य प्रेस करें क्योंकि इस प्रकार की इंफॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।